नमस्कार, मैं प्रिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायत चुनाव के शेड्यूल के बारे में। कोविड-19 के संक्रमण ने अपनी चपेट में पंचायत चुनाव को भी ले लिया है। यही कारण है कि पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया गया। हालांकि पिछली बार भी पंचायत चुनाव को लेकर कोई खास फैसला नहीं लिया गया था। सारी तैयारियों के बावजूद तारीख को लेकर और ईवीएम के मामले को लेकर दाव पे चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच में फंसा हुआ था। वहीं इन सब के बीच पंचायत चुनाव को लेकर कुछ दिनों पहले एक और बड़ी अपडेट आई थी कि पंचायत चुनाव का आयोजन तो करवाया जाएगा लेकिन तैयारियों को दोबारा से शुरू किया जाएगा। यही कारण है कि पंचायत चुनाव के शेड्यूल को जारी करने की संभावित तारीख जारी की गई है, जिसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग अगले 2 से 3 महीने में एक बार फिर से पंचायत आम चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है। आयोग ने पंचायत आम चुनाव बैलेट पेपर से नहीं बल्कि ईवीएम से ही करवाने की बात कही है। हालांकि पिछली बार ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच में मामला अटक गया था, जिसके बाद इस बार देखना यह दिलचस्प होगा कि ईवीएम के मामले को सुलझाने में यह दोनों आयोग कितना सफल साबित हुए हैं। वहीं पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पर्याप्त संख्या में ईवीएम जुटाने की नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर दूसरे राज्यों से एरिया में उपलब्ध कराने को लेकर पत्राचार भी किया जा रहा है, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग सितंबर में पंचायत चुनाव को लेकर कार्यक्रम जारी कर सकता है। जानकारों की माने तो पंचायत आम चुनाव के लिए आयोग को 6 पदों के लिए अधिक संख्या में ईवीएम की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें मुखिया, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच, पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए अलग अलग ईवीएम की बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता होगी। क्योंकि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आयोजन करवाया जाता है, ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत में 6 पदों के चुनाव कराने के लिए राज्य में करीब 1,20,000 बूथ स्थापित किए जा चुके हैं। ऐसे में हर बूथ पर 6 बैलेट यूनिट और 6 कंट्रोल यूनिट की आवश्यकता फिलहाल बताई गई है। इन्हें सब दूसरे राज्य से ईवीएम मंगवाने पर विचार विमर्श कर रहा है, जिसके लिए टैगिंग करने की पहल शुरू कर दी गई है। पंचायत आम चुनाव में ईवीएम जिलों द्वारा खुद दूसरे राज्य से मंगवाया जाता है, ऐसे में जिलों को दूसरे राज्यों से टैग कर दिया जाएगा तो वो जिला खुद अपना ईवीएम मंगा लेगा। अगर सब कुछ सही रहा तो कोविड-19 अपना एक और रौद्र रूप नहीं दिखाता है तो माना जा रहा है कि आयोग दिसंबर से पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को संपन्न करवा लेगा। हालांकि इन सब के बीच चूंकि 15 तारीख को पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल की समाप्ति हो रही है, ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से परामर्शी समिति का गठन कर लिया गया है। हालांकि बार बार विपक्षी दल की तरफ से और सत्ता पक्ष सभी पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग की जा रही थी, लेकिन सरकार ने इन सभी मांग को दरकिनार करते हुए एक परामर्शी समिति का गठन कर दिया है, जिसके बाद पंचायत का सारा कार्यभार परामर्शी समिति के हाथ में ही होगा। हालांकि कोविड-19 अब बहुरूपिया होता जा रहा है, यह कब अपना रूप बदल कर किस तरीके से सामने आ जाए यह कहना मुश्किल है। ऐसे में पंचायत चुनाव दिसंबर में आयोजित हो ही जाएंगे, इस बात को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं किया जा सकता, लेकिन चुनाव आयोग की कोशिश है कि इस बार पंचायत चुनाव को समय पर करवा लिया जाए। हालांकि पंचायत चुनाव का आयोजन पिछली बार ही समय पर हो जाता, लेकिन ईवीएम को लेकर फंसे मामले के कारण चुनाव का आयोजन समय पर नहीं हो पाया। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।